नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर गहन चर्चा और इनके एनालिसिस के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमसे जुड़ रहे हैं सीधे बंगाल की धरती से। बंगाल में चुनावी शोर के बीच क्या है वहाँ का माहौल, आज हम ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 24 जवान शहीद। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि शहादत खाली नहीं जाएगी। वसूली गैंग के खूनी खेल का पर्दाफाश, वाजे कर रहा था 2 मुसलमानों के फर्जी एनकाउंटर की प्लानिंग, अकाउंट डिटेल ने खोले कई राज। बंगाल चुनाव में फिर फूटा ऑडियो बम, खुली ममता के भतीजे एंड कंपनी की पोल, कटमनी के पैसों पर होती थी अभिषेक की ऐश। चुनाव आयोग ने खोली ममता के झूठ की पोल, नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोपों को आयोग ने किया खारिज। देश में कोरोना ने फिर बरपाया कहर, 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस, पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सबसे पहले बात लाल आतंक के कहर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, इसमें 24 जवान शहीद हो गए जबकि 30 से ज्यादा जवान घायल हैं। इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया था। वहीं नक्सलियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। डॉक्टर साहब, कब तक देश के लाल इन लाल आतंकियों के हाथ मारे जाते रहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर लगातार इस सवाल पे लोग नाराज़ हो जाते हैं जब ये पूछा जाता है, ये जो अर्बन नक्सल्स जो JNU के अंदर बैठे हुए हैं, जो बकायदा किसान आंदोलन में घुसे हुए हैं, जो शाहीन बाग में घुसे हुए थे, ये लोग क्या हैं? ये दरअसल इन्हीं आतंकियों के आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए इन लोगों ने दिल्ली के अंदर दुकान खोल रखी है। अभी ये सारे लोग चुप हो जाएंगे, अब तो माहौल बदला है। मुझे याद है कि जब 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, JNU के अंदर यही वामपंथियों ने, यही लेफ्ट लिबरल कबाल के लोगों ने, यही अर्बन नक्सल्स ने बकायदा जुलूस निकाला था, मिठाइयां बांटी थी। तो ये जो लाल आतंक है, जो लगातार हर साल कुर्बानियां लेता है, ये देश के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है इसमें, इसमें यह है कि इसके लिए जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उनसे बकायदा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो UPA की सरकार ने इस बात को माना था कि जो सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को लेकर के है वो इन लाल आतंकियों की वजह से है। और आज सारा विपक्ष, राहुल गांधी, ये सब के सब इन्हीं आतंकवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ये हर हिंदुस्तानी का धर्म है। अब बात महाराष्ट्र में वसूली गैंग की, जिसमें आज 2 बड़े खुलासे हैं। एक तो ये गैंग कितना एक्टिव है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक तरफ तो सचिन वाजे सलाखों के अंदर है, दूसरी तरफ उसके बैंक अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे हैं, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, लाखों में। दूसरा ये कि वसूली गैंग एक खूनी खेल प्लान कर रहा था जिसके तहत वाजे 2 मुसलमानों को मार देता और जिलेटिन कांड का पूरा इल्जाम उन पर लगाकर खुद हीरो बन जाता। डॉक्टर साहब, है कौन वो शख्स जो इस वसूली गैंग का असली आका है, जो अब भी सब कुछ प्लान कर रहा है जब वाजे NIA के शिकंजे में है? देखिए, सचिन वाजे केस में जो खुलासे हो रहे हैं उसका मतलब साफ साफ है कि वहाँ पे सचिन वाजे NIA के कस्टडी में है, लेकिन सचिन वाजे का धंधा बकायदा चालू है क्योंकि 26 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। बताया ही जा रहा है कि हवाला के ट्रांजैक्शन के जरिए मुंबई से पैसे दुबई भेजे जा रहे हैं, अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन आदमी है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये बात बिल्कुल अब दिन के उजाले की तरह साफ है कि सचिन वाजे के साथ वहाँ की सरकार, वहाँ की जो सरकार चलाने वाली पार्टियाँ हैं, उनके नेता, ये सब शामिल होंगे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक अदना सा सब इंस्पेक्टर जो
बाकी राज्यों में आप देखिए उसकी हैसियत नहीं होती है कि किसी डीसीपी के सामने खड़े हो सके, जिसके लिए कमिश्नर का जो ऑफिस था वो खुला दरबार था, वो मंत्रियों से के साथ उठता बैठता था, उनके आदेशों का पालन करता था, और जो जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंट्रोवर्सियल जो केसेस आए इस दौरान वो सब के सब सचिन वाजे को ही दिया गया। और इसलिए हमने देखा किस तरीके से इस सरकार ने सचिन वाजे को असेंबली के अंदर डिफेंड किया, अखबारों में जरिए उन्होंने कहा कि भाई ऑनेस्ट और कैपेबल है। तो अब ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि सचिन वाजे जो उगाही का काम कर रहा था वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए कर रहा था, जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं उनको अब इसको लेकर के जवाब देना चाहिए। अगली खबर है बंगाल से, जहां एक ऑडियो टेप ने दीदी एंड भतीजा के मनी गेम को बेनकाब कर दिया है। इस ऑडियो में बंगाल में चल रहे कट मनी के खेल का खुलासा हो रहा है। बातचीत को सुनने से पता चलता है कि चाहे वो कोई भी लेन देन हो उसका एक हिस्सा ममता के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी के खाते में जरूर पहुँचता है। डॉक्टर साहब, अब ये सवाल तो है नहीं कि बंगाल में भ्रष्टाचार है कि नहीं, अब सवाल ये है कि आखिर दीदी एंड भतीजे की ये उगाही कंपनी कब तक चलेगी। देखिए, अनूप मांझी के केस में तो ममता बनर्जी को बहुत ही ज़्यादा एम्बरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि किस तरीके से जो अभिषेक बनर्जी हैं उनकी साली उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स खंगाले गए। मालूम चल रहा है कि बैंक के अकाउंट जो हैं मलेशिया में हैं, थाईलैंड में हैं, फिर आपके लंदन में कुछ बैंक अकाउंट्स मिले हैं, और जिसमें हर महीने लाखों रुपये भेजे जा रहे हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को, उनकी साली को, उनकी पत्नी को, कैसा कौन सा कारोबार वो करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं कि इतना मुनाफा होता है, और ये पैसा कहाँ से आया है, इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। दरअसल ये जो ऑडियो बम नया आया है वो कोई नई बात नहीं है। वो दरअसल ये जो कोयला घोटाला के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें जो बातें सामने आई हैं उसी की ये पुष्टि कर रहा है। डेढ़ महीने पहले कम से कम हम लोगों ने इस पे स्टोरी की थी, हमने बताया था किस तरीके से अनूप मांझी और उसके सारे गुर्गे जो इस रैकेट में शामिल हैं इन्होंने जांच एजेंसियों को साफ साफ बताया था, बकायदा इस बात को कबूल किया था कि कैसे 150 से 200 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फैमिलीज़ को दिए जाते हैं, और जब पॉलिटिकल लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं तो वाजिब है वो तो किसी विपक्ष के लीडर को देगा नहीं, वो तो पैसा उन्हीं को दिया जाएगा जो सत्ता में होंगे, जो अपनी रसूख के बल पे पुलिस को ये कह सकते होंगे या आदेश दे सकते होंगे कि भाई अनूप मांझी की गाड़ियां आ रही हैं उसे बंगाल के अंदर बेरोक टोक के जाने दिया जाए। और तो और इसमें तो मसला बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर हो जाता है जब ये बातचीत आम जो उनके गुर्गे हैं जो इस चीज़ को जानते हैं वो साफ साफ ये कह रहे हों कि ये सारा पैसा अभिषेक बनर्जी के पास जाता है। अब ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों के लिए तो है ही, लेकिन चुनाव का वक्त है इसलिए कई सारे लोग इस तरह की खबरों के ऊपर बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो ऑडियो टेप है वो अनूप मांझी और कोल स्कैम जो बंगाल के अंदर जो बंगाल को लूट करने की जो प्रक्रिया थी उसकी सच्चाई बयां कर रहा है। अब बढ़ते हैं ममता के झूठ को बेनकाब करने वाली खबर की तरफ। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन हंगामे और हिंसा के आरोपों वाली ममता की चिट्ठी पर अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, जिससे दीदी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ना ही वहां वोटरों को वोट डालने से किसी ने रोका था। चुनाव आयोग ने वोटिंग में किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, अब तो साफ है कि नंदीग्राम से ममता हार रही है और इसीलिए उन्होंने इतना नाटक किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ दो टूक शब्दों में ममता बनर्जी को ये कह दिया कि जो आप ड्रामा कर रही थी उस ड्रामे में ज़रा भी सच्चाई नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत ही पुख्ता व्यवस्था कर रखी है, जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं उसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग 24/7 हो रही है, एक एक पल का वीडियो बनता है, और उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी। ममता बनर्जी इतनी डेस्परेट हो गई कि वो नंदीग्राम के उस बयाल के गांव के पोलिंग बूथ में जाकर के 2 घंटे उन्होंने वहां पे बर्बाद कर दिए, वहां वो बैठी रही। वो क्या स्ट्रेटजी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन
चूँकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है कि जहाँ कहीं भी कुछ घटना होती है उसके सीसीटीवी फुटेज, उसकी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है, उसी के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के सारे आरोपों को बिल्कुल झूठ करार दिया है। लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मुझे यहाँ कलकत्ता में आकर के पता चली कि भाई ये ममता बनर्जी 2 घंटे नंदीग्राम के एक बूथ में क्यों बैठी रही। तो दरअसल मालूम चला कि ये प्रशांत किशोर का आइडिया था, वो तो दिन भर घर में थी और उनको मालूम चला कि पास में ही उलबेरिया के में एक रैली हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, तो पूरा मीडिया का अटेंशन उलबेरिया के उस प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चला जाएगा। तो ठीक उसी वक्त हम ऐसा कुछ ड्रामा करते हैं कि मीडिया में वो स्पेस प्रधानमंत्री मोदी को ना मिल करके वो ममता बनर्जी को मिले, लेकिन इसमें भी धोखा हो गया ममता बनर्जी के साथ और प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि उलबेरिया के उस रैली को सारे टेलीविजन चैनलों ने दिखाया। तो ये राजनीति है, चुनाव का वक्त है, तो ऊपर नीचे तो खेल होता ही रहेगा। आखिरी खबर कोविड को लेकर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और टीकाकरण पर चर्चा हुई। बता दें कि कोरोना से हालात इतने खराब हो रहे हैं कि फिर से 24 घंटे में 93,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, लापरवाहियों और एक के बाद एक चूक ने कोरोना को इतना भयावह बना दिया है, कम से कम इस महामारी पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोरोना की स्थिति सचमुच अब बिगड़ते चली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल मीटिंग्स कर रहे हैं, वो फिर से उस चिंताजनक स्थिति में हिंदुस्तान चला गया है। 93,000 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना के से ग्रस्त हुए हैं और सबसे मैंने जो शर्मनाक वाक्या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो महाराष्ट्र से आ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हो गया है, पूरे देश में 93,000 के आसपास लोग ग्रसित हैं, 50,000 से ऊपर लोगों की संख्या वो महाराष्ट्र से आ रही है। आखिर वहाँ क्या चल रहा है, सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, किस तरीके से टीके का वहाँ पे बंटवारा किया जा रहा है, किस तरह से वो लोगों को लगाया जा रहा है, तो ये एक ऐसा मसला सामने आ रहा है कि हमने पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने का एक एग्ज़ाम्पल हमने सेट किया था, लेकिन हमने अपनी लापरवाही की वजह से, सरकारों की काहिली की वजह से, नेताओं की नकारेपन की वजह से हम फिर उस दौर में पहुंच गए हैं जहां स्थिति जिसको कह सकते हैं कि चिंताजनक बनती चली जा रही है। पिछले साल इस वक्त जिस तरह से लोग डरे हुए थे और इस साल में फ़र्क बस इतना ही है कि आज हिंदुस्तान के पास सफिशेंट अमाउंट में वो टीके हैं। पहले वो टीका नहीं था, लेकिन अब तो सरकार जाग जाए और लोगों को जितना जल्द हो सके वो टीकाकरण जो है हिंदुस्तान में कंप्लीट पूरा करना चाहिए। अब वो वक्त नहीं है कि 60 साल 45 साल तो 30 साल ये सब करने का वक्त नहीं है, अब सारे लोगों को टीका लगाने का वक्त आ गया है, अदरवाइज़ स्थिति हाथ से कंट्रोल से वो बाहर जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खबरों के पंचनामे में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।